जैसा कि आप सभी ने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आर्ट डिपार्टमेंट से यानी कि आर्ट डिपार्टमेंट से बम्पर भर्तियाँ निकलने वाली है और 8000 से 100 अधिक प्रत्याशियों पर भर्तियाँ निकलने वाली हैं। साथ ही छात्र और अधीक्षक से संबंधित कुछ जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। तो जैसे कि आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 8000 से अधिक पदों पर भर्ती जो निकली है उसके बारे में जो कौन कौन से पद हैं, इसकी योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, वेतनमान कितना होगा, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। जो लोग चैनल पर नए हैं बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर दी जाती है। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि आर्ट डिपार्टमेंट वो कौन सी भर्तियाँ हैं, तो चलिए देखते हैं कि आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि केंद्र व राज्य सरकार के 8 विभागों में कुल 8100 भर्तियाँ निकली हैं जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट पास मांगी है आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में 303 रेलवे में 1659 नवोदय विद्यालय समिति में और साथ ही 1616 राजस्थान शिक्षा विभाग में और 461 इंटेलिजेंट ब्यूरो में और 766 इंडियन आर्मी में और 458 पद जो कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस में और 37 और अग्निवीर योजना के तहत 2800 पदों पर भर्तियां की जाएगी। साथ ही इसके बारे में जो भी अपडेट है पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर और शो कर रहा होगा कि देखिए अब छात्र और अधीक्षक की भर्ती को पहले देख लेते हैं जो कि आने वाली है और साथ ही ये जो 8100 पदों पर बम्पर भर्तियां निकली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, जैसा कि आपके सामने शो कर रहा होगा कि छात्रावास अधीक्षक संबंधी भर्तियां के बारे में, अब महत्वपूर्ण अपडेट छात्रावास भर्ती की बात करने वाले हैं। आप सभी को मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री ने बैठक में जनजातीय सलाहकार से बैठक हुई है। यहां जो छात्रावास अधीक्षक की फाइलें हैं वह 4 गुना स्पीड से बढ़ गई है यानी कि 4 गुना स्पीड से इसकी काम चल रही है। साथ ही बहुत ही जल्द आपको वित्त विभाग से छात्रावास अधीक्षक की भर्ती देखने को मिलने वाली है। याद रखें अगर वित्त विभाग से अनुमति मिलने के बाद आपको 1.5 से 2 माह का समय दिया जाएगा यानी कि अनुमति, देखिए वित्त विभाग से आपको अनुमति मिल जाती है इसके बाद अब व्यापम से आपको 1.5 से 2 माह आपको देखने को मिल सकता है यानी कि इसके बाद देखिए 2 से 1.5 माह समय दिखेगा और यह डिपार्टमेंट के पास अनुमति मिलने के बाद व्यापम को दिया जाएगा यानी कि वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाएगा और साथ ही डिपार्टमेंट के पास अनुमति मिलने के साथ ही व्यापम को दे दिया जाएगा। तो व्यापम जो एग्ज़ाम लेता है 1.5 से 2 माह के अंतर्गत या उससे पहले एग्ज़ाम ले लेता है, ठीक है, यानी कि इस साल यानी कि छात्र और अधीक्षक की आने की पूरी संभावना है। और साथ ही अगर हमारे YouTube चैनल पर तैयारी करना चाहते हैं तो व्यापम की तैयारी कराया जा रहा है, वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जैसे ही इसकी वैकेंसी से संबंधित कुछ जानकारी मिलेगा, जैसे ही इससे संबंधित यानी कि छात्रावास अधीक्षक से संबंधित वैकेंसी आएगी तो मतलब इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। आई होप कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई हो तो एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब जो 8100 पदों की जो भर्तियां हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि HPCL यानी कि 303 पदों पर भर्तियां निकाली गई है यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, जिसके लिए 25 से 37 साल की उम्र उम्मीदवार यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके आप देख सकते हैं, 22 जुलाई तक आवेदन इसके कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में वैकेंसी की डिटेल जानकारी लेते हैं तो मैकेनिक इंजीनियर के 103 पद हैं, इलेक्ट्रिकल्स के 42 पद हैं, सिविल इंजीनियर के 25 पद हैं और HR ऑफिसर के 89 पद, साथ ही ऑफिसर के 5 पद। अब योग्यता की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए योग्यता दिया गया है और कौन कौन से जो भर्ती हैं उसके बारे में देखेंगे और इसका वेतनमान क्या होगा और कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं ये भी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। ओके, आयु सीमा की बारे में बात करते हैं तो इंजीनियरिंग पदों के लिए 25 सेफ्टी ऑफिसर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, ब्लेडिंग ऑफिसर, CA, HR ऑफिसर और वेलफेयर ऑफिसर के लिए 27, लॉ ऑफिसर के लिए 26, मैनेजर के लिए 34 और सीनियर मैनेजर पदों के लिए अधिकतम 37 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं यानी कि आपको 37 साल तक के आवेदन कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन जो प्रोसेस है, ठीक है, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, उम्मीदवार का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से आपको चयनित किया जाएगा। आवेदन के शुल्क की बात करें तो आवेदन का शुल्क है 1180 रुपये, मात्र 1180 रुपये है। हालांकि SSC और ST और PW कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए इसके लिए छूट दी गई है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं जो नवोदय विद्यालय, जैसे कि आपके इन पर फिर शो हो रहा होगा कि नवोदय विद्यालय समिति ने देश भर में टीचर के लिए 1616 पदों पर वैकेंसी निकाली है, ठीक है,
जो नवोदय विद्यालय की समिति है उसमें देश भर में टीचर्स के लिए, नवोदय विद्यालय के जो बच्चों के लिए टीचर्स के लिए 1616 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 35 साल की उम्र से लेकर 50 साल तक के उम्मीदवार 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वेबसाइट पर दिया होगा navodaygovernment.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर आपको उम्मीदवार को सिलेक्शन किया जाएगा, और साथ ही जिससे सिलेक्ट होने पर हर महीने आपको 44,000 से लेकर 2,00,000 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। इम्पोर्टेंट बात है, याद रख लीजिएगा कि 44,000 महीने में आपको 44,000 से लेकर 2,00,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, जो नवोदय विद्यालय में जो बच्चों के शिक्षा के लिए भर्ती होगी उसके लिए। ठीक है, अब वैकेंसी की डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि प्रिंसिपल के लिए 12 पोस्ट है, पीजी और जीव विज्ञान के लिए 42 यानी कि 42, रसायन विज्ञान के लिए 55 यानी कि 55, वाणिज्य के लिए 29, अर्थशास्त्र के लिए 83 और अंग्रेजी के लिए 37, भूगोल के लिए 41 और हिंदी के लिए 20, यानी कि इतने सारे वैकेंसियाँ निकल कर आई है। ठीक है, जो नवोदय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती होगी यानी कि उसकी वैकेंसी निकल कर आई है, उसकी योग्यता के बारे में देखते हैं। तो योग्यता के बारे में देखेंगे तो प्रिंसिपल के लिए 60% अंकों के साथ पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट और साथ ही बीएड या समकक्ष टीचिंग डिग्री का होने के साथ साथ 15 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है, ये उसकी योग्यता है। जो नवोदय विद्यालय में जो शिक्षकों की भर्ती होगी उनकी योग्यता है। और पीजीटी की बात करें तो कम से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में 2 साल के पीजी इंटीग्रेटेड कोर्स या 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री एवं बीएड के साथ। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर देखिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही देखिए टीजी के बारे में तो न्यूनतम 50% मांगा है इसमें भी। उसके बाद है संगीत शिक्षक के लिए, तो संगीत संस्थान में 5 साल का अध्ययन या फिर संगीत के साथ ग्रेजुएट या कक्षा 12वीं के साथ संगीत विशारद परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं आर्ट टीचर के बारे में। तो ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट और कन्फर्म के लिए आर्ट्स के लिए विषय में 12वीं और 4 साल का डिप्लोमा या आर्ट्स के विषय में 10वीं 12वीं मांगा गया है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इस पर आपको अन्य अदर विभागों में यानी कि टोटल 8 डिपार्टमेंट में आपको 8,100 पदों पर भर्ती जो निकली है उसके बारे में अपडेट मैं आपको बता दिया हूँ। यानी कि यहाँ पर 8,100 पदों के लिए 8 सरकारी विभागों में भर्ती 10वीं 12वीं पास मांगा गया है ग्रेजुएट के साथ, यानी कि बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और 22 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही छात्रावास अधीक्षक पर जो सीएम के निर्देश हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि छात्रावास अधीक्षक की भर्ती बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। तो वीडियो में आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी बहुत जल्द कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कराया जा रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम आपको लेटेस्ट वीडियो अपलोड मिलती रहती है। जैसे ही छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी आएगी इस यूट्यूब चैनल पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।